अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 टेंथ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर थ्रू आउट 16 तक करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए टेंथ क्लास मैथ की मुकम्मल वीडियोज़ लेके आएगा, एक एक क्वेश्चन। आपको बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में समझाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दे दिया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि मेरी वीडियोस कितने लोगों के काम आ रही हैं। चलें सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/12। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, जैसे हम पहले भी मैं आपको कहता आया हूँ कि सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। आप गौर से देखें तो ये एक्स माइनस है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस है पहली टर्म, दूसरी टर्म में देखें एक्स प्लस है ऊपर चला गया और एक्स माइनस है नीचे आ गया, मीन्स ये एक दूसरे के उलट हैं। तो हम अगर इसको वाई कह दें, लेट पहली टर्म को अगर हम वाई कह लें, अगर हम पहली टर्म को y कह लें, तो हमारी जो दूसरी टर्म होगी वो क्या होगी। क्योंकि देखें इसके नीचे पहले y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऑपोजिट है, क्योंकि x माइनस है डिवाइडेड बाय x प्लस है, ये x प्लस है ऊपर आ गया, x माइनस है नीचे आ गया। तो जब हम y को इसके इक्वल कह रहे हैं x माइनस है डिवाइडेड बाय x प्लस है, तो 1/y जो होगा वो इसके इक्वल होगा, दोनों रिवर्स हुए हैं तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पे ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब ये डिवाइडेड बाय 1 लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 1 तो होता ही है सबके नीचे। हमने क्या करना है, अब इनकी जगह पे y और 1/y ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर लिख देने हैं। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बन जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी ओरिजिनल इक्वेशन y माइनस 1/y इक्वल टू 7/12 बन गई है। यहाँ पे हम आप जैसे 1.1 में करते थे, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी हैं उनका प्रोडक्ट जो है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 12y को हम इस y से भी करेंगे, 1/y से भी और 7/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अभी हमने कटिंग कर देनी है, ये y जो है इस y से कैंसिल आउट हो गया और ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल हो गया। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये y और y y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 12y² माइनस 12 इक्वल टू 7y, ये हमारा रह गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लेके आना है। तो अभी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो 7y है ये इधर होना चाहिए y² के बाद, तो y² के बाद लेकर आना है इसको, मीन्स यहाँ पे ये प्लस 7y है, इस तरफ इक्वल टू क्या आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अभी हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज हम किस तरह से करते हैं, देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 12 × 12 क्या आएगा 44। मल्टीप्लाई पे 44 आए, प्लस माइनस पे 7 आए, तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन दो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पे आना चाहिए, इन दो का प्रोडक्ट, तो 12 × 12 = 144 होता है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस माइनस पे माइनस 7 आए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, वो है 16 × 9। देखें 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 144, और अगर हम इन दोनों को इस तरह रखें कि 16 के साथ माइनस और 9 के साथ प्लस रख दें, तो इनका आंसर जो होगा वो माइनस 7 आ जाएगा। हम ये जो प्लस माइनस भी आया इसके साथ y को रख कर, दोनों के साथ y लिखकर इसको 7y की जगह पर लिख देंगे, 12y² और माइनस 12 एज इट इज़ आएगा, इसको हमने नहीं छेड़ना।
नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम दो दो से कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन जाएगा, 4y कॉमन जाएगा, और लास्ट टू में से जाएगा कॉमन 3। सो ये मैं कॉमन लेता हूँ अभी। सो आप देख सकते हैं जब मैंने 4y कॉमन लिया इन दो में से, तो 4 3 12 होता है। सो यहाँ पे 3 आएगा साथ में y, माइनस 4 4 16 होता है, y एक ही था वो बाहर चला गया, 3 3 9 होता है। सो यहाँ पे आएगा 3y माइनस 3 4 12। सो ये जो हमारे ब्रैकेट वाले हैं ये एक जैसे आ गए हैं, ये भी 3y माइनस 4y, ये भी 3y माइनस 4y। तो इन ब्रैकेट वालों को हमने क्या करना है, अब एक दफ़ा लिख देना है यहाँ पे, और जो एक दफ़ा बाहर आए हैं ये हमारे अलग से ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। मीन्स यहाँ से हमने 3y-1 को दोबारा से कॉमन ले लिया है। तो अब आपके पास देखें ये दो पेयर जो है इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब एक दफ़ा इसको 0 कह लें, एक दफ़ा इसको 0 कह लें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा y जो है वो क्या आ जाएगा, -1 है, इस तरफ आकर +1 हो गया, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। तो ये एक हमारा y आ गया, यहाँ से हमारा y क्या आएगा, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो गया इक्वल टू के, और 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। सो ये हमारे दो y निकल आए हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, सॉरी ये यहाँ पे 4 था, सो ये 4 था, तो ये क्या आएगा, 4/3 आएगा। सो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इसको वहाँ पे पुटिंग करनी है, जो हमने y किस को बोला हुआ था, हम अगर ऊपर जाएं तो हमने y इक्वल टू ये बोला हुआ था। सो हम अब अगेन इस जगह पे y की वैल्यू रखकर, दोनों वैल्यूज़ एक एक बार रखकर इसको में से x निकालना है, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है। सो हमें y की नहीं x की वैल्यूज़ चाहिए, तो वो हम अब इस जगह पे लगाएंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो y की पहले हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं इस y की जगह पे। सो यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो जब भी इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। मीन्स ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 भी, तो 4 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो अब हमने क्या करना है, जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो a वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। सो x वाली बड़ी टर्म यहाँ पे पड़ी है, तो हम ये छोटे वाला 3x जो है इसको हम 4 की तरफ ले जाते हैं, और ये 4a उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो साइन लाजमी चेंज करने हैं। सो 4a प्लस में था, इधर आकर माइनस हो गया, 3x यहाँ पे प्लस में था तो इस तरफ आकर माइनस में हो गया। सो 4 में से 3 निकालेंगे, सिर्फ x रह गया, और इक्वल टू के बाद देखें -3 -4 -7, a आपका x की वैल्यू आ गई है। अभी हम इधर भी सेम काम करने लगे हैं, इस y की जगह पे हमने वैल्यूज रखनी है। अभी इसकी जो वैल्यू हमने ऊपर लेट की थी वो थी x-a/(x+a). सो इसकी जगह पे भी अब हम ये -3/4 इस y की जगह पे रखते हैं। तो अब अगेन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। सो x प्लस है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 के नीचे डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के, दूसरी तरफ जाकर x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन जो होंगे वो तब्दील हो जाएंगे, और इधर 4 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब x वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ करनी है, तो देखें यहाँ पे जो है ना 4x बड़ा है, 3x छोटा है, तो हम 3x को 4x की तरफ लेकर जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव x आ जाए, और जो -4 है ये इस तरफ आकर +4a हो जाएगा।
सो ये माइनस थ्री एक्स इस तरफ आकर प्लस थ्री एक्स हो गया, ये माइनस फोर ए इस तरफ आकर प्लस फोर ए हो गया। तो अब फोर में से थ्री निकालेंगे तो सिर्फ ए रह जाएगा, और यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये सेवन एक्स आ जाएगा। तो अब हमें एक्स चाहिए, तो ये सेवन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ इक्वल टू क्या आकर डिवाइड हो जाएगा। सो अब ये आप देख सकते हैं हमारी एक्स की जो है वो दूसरी वैल्यू भी आ गई है। तो इस एक्स को आप इस तरफ लिख सकते हैं और इसको उस तरफ लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 10 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इनको भी आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और फिर उसको क्वाड्रेटिक या किसी भी तरीकेकार से आपने उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास जो टाइप ऑफ इक्वेशन है वो चेंज हो गई है, जो पहले हम करते आ रहे थे वो चेंज थी, अब ये थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है अप्लाई हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में कन्वर्ट करने की, वो भी चेंज होगी। सो देखें जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए और आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना हो, तो आपने क्या करना है, जो भी इसमें बस इसको ना आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है हर एक टर्म को। टर्म से मुराद एक्स की पावर 4 है, 2x क्यूब है, ये भी एक टर्म है, 2x स्क्वायर भी एक टर्म है, 2x अलग से टर्म है, 1 एक अलग से है, 0 अलग से टर्म है। तो इस हर अलजेब्रिक टर्म से आपने एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये इस फोर से कैंसिल होकर टू रह जाएगा, मीन्स ये फोर एक्स थे, अब नीचे जो दो एक्स थे वो दो एक्स इस दो एक्स से कैंसिल हो गया और पीछे सिर्फ दो एक्स बच चुके हैं। इधर आपके नीचे दो एक्स हैं, ऊपर तीन एक्स हैं, तो ये कट के ऊपर वन एक्स रह गए, दो एक्स कैंसिल हो गए क्योंकि वो नीचे थे। तो ये ऊपर भी दो हैं नीचे भी दो हैं, दोनों एक्स आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे देखें नीचे दो एक्स हैं ऊपर एक एक्स है, तो ये एक एक्सिस दो एक्सिस से एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ एक एक्स जो है वो बच जाएगा। तो बाकी ये ज़ीरो के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो ये ज़ीरो ही रहेगा। सो अब हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको रीग्रुप कर लेना है। रीग्रुपिंग क्यों करनी है, देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, और ये जो एक्स वाली टर्म्स हैं इनको आपस में एक साथ लिखना है, और जो ये कांस्टेंट है इसको एंड में लिखना है। सो ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन सके। सो मैं अभी इसको रीग्रुपिंग करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाली पहले आपस में लिखेंगे, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट मीन्स जिसके साथ एक्स नहीं है वो। तो इसके साथ आप ये याद रखें कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होना है, क्योंकि हम इक्वल टू के दूसरी तरफ तो नहीं लेके जा रहे ना, हम तो इक्वल टू के इसी तरफ रह कर इनकी जगह को तब्दील कर रहे हैं, तो इधर साइन चेंज नहीं होंगे। सो अब आप देखें यहाँ पे 2x प्लस 2 बाई एक्स जो है, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन जा सकता है और हम माइनस 2 कॉमन लेंगे। जब माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो अब हम बिल्कुल करीब तरीन पहुँच चुके हैं अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 बाई एक्स है इसको हम y कहेंगे। तो अगर हम इसको y कहेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर क्या बनेगा, अगेन यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर भी तो निकालना है ना, क्योंकि हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ले बनाना चाह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वाई स्क्वायर होता है, वो वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेके चेक करेंगे कि वाई स्क्वायर क्या आता है हमारा, तो उसको फिर हम देखते हैं। अब इसके दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें, तो ये मैं रफ अमल में करूँगा,
दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें इसके, थोड़ा सा मैं डार्क कलर ले लेता हूँ। सो अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर लें, सो सी व्हाट हैपन हियर। यहाँ पे देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। वो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये जो फार्मूला है इसमें आपके पास जो ए है वो आपका एक्स है, ए आपका एक्स है, और जो बी है वो आपका क्या है, वन ओवर एक्स। सो आप इस फार्मूले को ओपन करें तो आपका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ए आपका देखें एक्स है तो ए इंटू बी, बी आपका एक्स है, वन ओवर एक्स है, प्लस बी का स्क्वायर। वन का स्क्वायर वन ही होता है और एक्स का स्क्वायर। आई होप आपको ये लिखा हुआ समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारा रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू वन ज़ार टू, आगे प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और इस तरफ हमारा क्या पड़ा हुआ है, वाई स्क्वायर। ठीक है, सो अब जब जब ये माइनस टू इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू। सो हमारा जो ये वाई स्क्वायर प्लस टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे देखें जब जब हम y को ये कहेंगे x माइनस वन ओवर x, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर x होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस टू के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो अब देखें ये जो इसको आपने बस ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे जब आप वाई को कहेंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो फिर आपने इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेकर प्रॉपर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को ओपन करना है, फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के बाद आपके पास देखें ये इस तरह से माइनस टू बन जाएगा बीच में, इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो मेन ये इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम वाई स्क्वायर प्लस टू रख देंगे, जहाँ पे एक्स माइनस वन ओवर एक्स है उसको हम वाई कह देंगे, बाकी इक्वेशन रिमेन सेम। तो मैंने जो अभी पुटिंग्स की हैं वो सारी मैंने रेड कलर से की हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आए कि मैंने किस जगह पे क्या खुद से अभी लगाया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस टू लग गया, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह पे वाई लग गया, और ये टू और वो टू एज इट इज़ है। सो अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा ये जो है माइनस टू और ये प्लस टू कैंसल आउट हो गए। तो आपके पास अब क्या बचा है, तो आपके पास बच गया है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमने वाई को निकालना है, वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। सो वाई जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस टू रह जाएगा यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो। सो वाई को कॉमन लेने के बाद एक दफ़ा ये वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक दफ़ा वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपने वाई को दूसरी तरफ ले कर जाके ज़ीरो नहीं करना है, यहाँ पे अलग से मैंशन ज़रूर करना है। सो अब ये जो वाई हमारी वैल्यूज़ दो आई हैं इनको हमने देखें, जो भी सिंपल हमने स्क्वायर के बगैर रखा होता है उस जगह पे हमने वैल्यू ये लगानी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो पूरी एक्स की फॉर्म में है, तो हमें आंसर भी एक्स की वैल्यूज़ देनी है। सो हम क्या करेंगे, जो हमने इधर वाई रखा है इसकी जगह पर अब हमने पुटिंग्स करनी है वाई की वैल्यूज़ और एक्स की वैल्यूज़ निकाल के देनी है। सो हमारी जो ये वैल्यू है ये इधर पड़ी है, तो इसके अंदर आप बारी बारी हम लगाते हैं। पहले आप ज़ीरो लगाएं अगर, तो डिनोमिनेटर में जो भी होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही रहेगा, तो इक्वल टू एक्स, एक्स ये स्क्वायर हो जाएगा जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो काट के वन रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने किया है
मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स किया है। तो आई होप आपको ये यहाँ से समझ आया होगा। जब देखें एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, इसके साथ भी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इससे होगा तो ज़ीरो। तो अब यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है। यहाँ से देखें माइनस वन उस तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और हमें चाहिए है एक्स, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसल आउट। तो एक्स वन का जब अंडर रूट लिया जाए तो प्लस माइनस वन ही आएगा। सो ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेम इसी में वाई की दूसरी वैल्यूज भी लगाएंगे। सो वाई की दूसरी वैल्यू भी मैं अब रखता हूँ यहाँ पे। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स है, तो इस एक्स को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन के साथ। तो हमारा इसके साथ एक्स अलग से मल्टीप्लाई होगा तो ये टू एक्स हो जाएगा, इसके साथ जब होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और जब इससे होगा तो वन ओवर एक्स स्क्वायर। बल्कि नहीं, यहाँ पे एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ वन रह जाएगा। तो इधर भी हमने सेम स्टेप लिया है, तो मैंने ये एरो लगा दिया है मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये उधर भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी। तो अब यहाँ से हमें देखा जाए तो यहाँ पे हमें प्रॉपर इसको सॉल्व करना होगा। ये जो टू एक्स है इसको हम दूसरी तरफ ले कर जाएंगे तो ये वहाँ पर जा कर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वन एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको या तो फैक्टराइज़ करना है, देखें लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज़ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें माइनस वन आए, प्लस माइनस पे माइनस टू आए। तो आप ख़ुद भी इसको गौर कीजिए, इस पर आपको पता लगेगा कि ये नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ पहले देखते हैं। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो आपका क्या होता है, ए, और जो भी आपका एक्स के साथ लिखा होता है वो आपका क्या होता है, बी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है वो आपका क्या होता है, सी। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी। तो अब इस फार्मूले के अंदर हम ए बी और सी की वैल्यूज लगाने जा रहे हैं। तो बी की जगह पे बी की वैल्यू लगाएंगे, ए की जगह पे ए की, सी की जगह पे सी की। तो बी की वैल्यू अगर लगाई जाए, देखिए ये एक फार्मूले का माइनस और एक माइनस इस बी की वैल्यू का, ठीक है। सो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी आपका है माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर फार्मूले का आ गया, ए आपका है वन और सी आपका है माइनस वन, डिवाइडेड बाय देखें आपका टू ए है नीचे, तो टू आपका फार्मूले का आ गया, ए की वैल्यू है वन। सो अब यहाँ पे देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और अंदर अगर आप देखें तो जब हम स्क्वायर लेंगे, देखें अब माइनस टू होल स्क्वायर है, तो जब पावर इवन हो, यानी टू जब इवन है, पावर जो है टू वो इवन है, तो अंदर वाला जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, टू टू ज़ार फोर माइनस, अब ये वाला माइनस वन के साथ जो है और जो फोर के साथ है, ये दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस, और फोर वन ज़ार फोर। तो अब यहाँ पे देखें फोर, फोर प्लस फोर एट हो जाएगा। अब अगर हम एट का एलसीएम लें, एट का अगर हम एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आएगा, टू फोर ज़ार एट और टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार टू। तो ये दो दफ़ा दो आया और एक एक दफ़ा आया। अब ये टू की पावर टू जो है, ये देखिए ये स्क्वायर रूट से कट के ये जो टू है ये बाहर चला जाएगा, बट यहाँ पे जो ये वाला टू है ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू कॉमन जा सकता है, सो हम टू को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे टू चला गया, वन रह गया, यहाँ पे भी वन रह जाएगा, लेकिन वो हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और अंडर रूट टू एज इट इज़ रहेगा।
टू रूट के अंदर से बाहर नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 2s2 से कैंसिल हुआ, तो आपके एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है 1 ± √2। सो ये आपका एक और एक्स जो है वो आ गया है। सो आपका ये एक एक्स आया और एक एक्स हमारा यहाँ पे ये आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपके एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रखता है, हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम 10th क्लास में आए थे, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 11 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है 2x⁴ + x³ - 6x² + x + 2 = 0। सो सबसे पहले इसमें भी वही काम है, क्योंकि जैसे 10 क्वेश्चन किया था उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर को हर एक टर्म के नीचे। सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना होगा, कटिंग करनी होगी। देखें नीचे 2x हैं तो ऊपर 4x है, तो जब 2x कट गए तो पीछे कितने रह गए, 2x रह गए। नीचे 2x हैं ऊपर 3 हैं, तो 2x जब 2x से कैंसिल हो गए पीछे कितना बच गए, 1x बच गए। यहाँ पे 2x थे, दोनों दोनों x से कैंसिल आउट हो गए, तो x ख़त्म हो गए। यहाँ पे देखें नीचे 2x थे, एक कैंसिल हुआ और फिर नीचे 1x बच गया, ठीक है। और इस तरफ 0 के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब जो बच चुका है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो अभी हमारे पास जो बच चुका है वो मैंने लिख दिया, ये याद रहे यहाँ पे 1/x है, ये सिर्फ x आपने नहीं लिखना है, 1/x है। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको आपस में लिखना है, x वाले आपस में लिखने हैं, और फिर 6 जो है ये एंड में लिख कर = 0। साइन चेंज नहीं करने हैं हमने, जस्ट इनको रीअरेंज कर रहे हैं, इक्वल टू के उसी साइड रहेंगे, इसलिए इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2x² है और +2x² है। सो ये 2 जो है ये कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे प्लस के बाद ये 2 एक था ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया। सो फिर वही स्टेप आ चुका है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। हम क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस 1 और एक्स है इसको हम लेट कह लेंगे y के इक्वल। जब हम इसको y के इक्वल कहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हम देखते हैं साइड पे रख कर इसको, तो दोनों तरफ हम इसके स्क्वायर लेने लगे हैं। सो अब यहाँ पे देखें y² = ये a + b² वाला फार्मूला बन रहा है, तो वो क्या होता है, a² + 2ab + b². सो a आपका x है, b आपका 1/x है, सो a² + 2 फार्मूले का a आपका x है, b आपका 1/x है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह से +b², सो ये 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। सो अब देखें यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया, x² + 1/x² और बीच में +2। तो इस +2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास जो x² + 1/x है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा y² + ये +2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -2। तो अब जब हम y को इसके इक्वल रखेंगे तो हमारा जो
एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू के इक्वल। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यूज इसी तरह से इस एक्सप्रेशन के अंदर लगा देनी है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हमने वाई स्क्वायर माइनस टू लगाना है, और जहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स है वहाँ पे हमने वाई को लिख देना है। तो इस एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के अंदर देखें, टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस टू लिख दिया जो कि हमने इधर निकाला हुआ था, और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, और आगे माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़ आ गया। सो अब ये देखें, ये टू जो है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, सो अब आप देख सकते हैं ये माइनस सिक्स और माइनस फोर जो है ये माइनस टेन हो जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि वाई स्क्वायर वाली टर्म जो होती है वो पहले होती है और फिर इसके बाद होती है सिंपल स्क्वायर के बग़ैर वाली एक्सप्रेशन, और फिर एक कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मीन्स माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये मुकम्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है, अब हमने इसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, देखें इन दोनों का प्रोडक्ट हमने देखना होता है। सो 10 टू ज़ार 20, मल्टीप्लाई पे आपके ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 20 आए, और प्लस माइनस पे प्लस वन भी आना चाहिए। सो ऐसे कौन से नंबर हैं, वो हैं 5 × 4, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 आता है, और अगर इन दोनों के साथ प्लस 1 लाना है तो हमने अगर 5 के साथ प्लस रखें 4 के साथ माइनस, तो ये आपको 1 आंसर भी दे देगा। तो ये जो पेयर आया है इस पेयर के साथ हमने y लगाना है, और इसको हमने क्या करना है, इस बीच वाली टर्म के जगह पे लिख देना है, ये y हट जाएगा, इस y इन दोनों के साथ y लगाकर इधर लिख देना है 2y² और माइनस 10 ऐसे ही नीचे उतार देने। सो अब आप देख सकते हैं इस y की जगह हमने जो पेयर निकाले हैं वो लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दो दो से कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टू में सिर्फ y कॉमन जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, टू ए दो y थे तो एक y रह गया, प्लस यहाँ पे था ये एक y तो वो बाहर चला गया, यहाँ 5 रह गया। इसके बाद यहाँ पे कॉमन किया जाएगा, माइनस टू कॉमन जा सकता है, माइनस भी साथ कॉमन लिया है तो 2 × 4 साथ में y, और माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होंगे टू 5 × 10 होता है और इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रैकेट वाले हैं वो एज इट इज़ सेम आ गए हैं, तो इसको ब्रैकेट वाले को हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिख देना है। और अंदर वाली जो वैल्यू बाहर जो रह गई है इसको आपने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख कर इक्वल टू 0 कह देना है। अब एक दफ़ा इसको 0 कह लें इक्वल टू, और एक दफ़ा इस वाली को इक्वल टू 0 कहेंगे। तो यहाँ से आपके पास y क्या आ जाएगा, 5 उस तरफ जाकर क्या होगा, माइनस 5, और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, और यहाँ से y क्या आ सकता है, 2 माइनस में आ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी रीज़न यह है कि हमें जो मेन क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है ना कि y की। तो हमने जहाँ पे लेट किया हुआ है y के इक्वल, उधर से हमने ये वाली वैल्यू उठानी है, यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ रखनी है और x की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी रह गया, बस अब थोड़ा सा पार्ट और रह गया इस क्वेश्चन का, और ये आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। ये देखें इस y की जगह पे अब हम क्या रखने जा रहे हैं, जो हमारा आंसर आए हैं वो हमने रखने हैं। सो हमारा आंसर आया -5/2, तो इस y की जगह पे हम लिखेंगे 5 − 5/2।
अब जो डिनोमिनेटर में होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने हर टर्म के साथ 2x को मल्टीप्लाई किया है। आप देख सकते हैं ये 2:2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ पे -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x आ जाएगा, और इक्वल टू के बाद देखें ये 2x x से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें तो ये 2 1 2 होगा, तो ये आपके पास बन चुका है। अब देखें 2x², एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, तो बजाय कि हम इधर इधर से ये उधर लेके जाने के -5x को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल टू 0 हम इधर लिखें या उधर लिखें, बात एक ही है। अब इसको हमने जस्ट क्या कर लेना है, फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर लेते हैं और ये आपका सॉल्व हो जाना है। इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, देखें इन दोनों का प्रोडक्ट 2 2 4 मल्टीप्लाई पे आना चाहिए 4, और प्लस माइनस पे आपके पास आना चाहिए 5। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास 5 आए, +5 आए, तो वो हैं 4 1s। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आता है, और अगर हम इन दोनों के साथ प्लस रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5। तो ये जो आया आपके पास, इसके साथ हम y लगाएंगे, और इसको सॉरी यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो यहाँ पे हम इन दोनों के साथ एक्स लगाएंगे, और इसको हमने क्या करना है, इस 5x की जगह पे लिख देना है 2x² और +2 = 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो अब हम दो दो से कॉमन लें तो फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन जाएगा, अंदर आपका सिर्फ यहाँ पे एक्स रह जाएगा, और 2 2 4 होता है, एक्स एक ही था बाहर चला गया, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो आप +1 को बाहर कॉमन ले लें तो ये आपके पास एक्स +2 भी आ गया =0। तो अब जो एक जैसे पेयर आए हैं उनको आपने एक दफ़ा यूँ लिख देना है, और जो बाहर आए हैं 2x+1 जो है उसको आपने इधर अलग से पेयर के अंदर लिख देना है और =0 कह देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास एक्स की, अब एक दफ़ा इसको 0 कह लें, एक दफ़ा इसको =0 कह लें, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है -2। इसी तरह से यहाँ से भी आप देखें अगर, तो 1 उस तरफ जाकर -1 होगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वैल्यू आई है, एक ये x = -2। अब यहाँ पे एक ऊपर हमारे पास y की दूसरी वैल्यू भी आई थी, हमने इसको भी इधर इस y की जगह पे लिख कर चेक करना है। हमारे पास आया था y जो हमने लेट किया था x+1/x। तो हमने अब क्या करना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू रखनी है y की, जो कि ये दूसरी आई थी, ये जो पहले हमने किया वो -5/2 के लिए किया था। तो अब हम y की 2 जो वैल्यू आई है इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि दूसरे x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। नीचे डिनोमिनेटर में x है तो मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। एक्स को जब हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अलग से होगा, इस एक्स से अलग से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, जब इससे होगा तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x उस तरफ जाएगा तो ये -2x हो जाएगा।
तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमें मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई पे हमें वन चाहिए और प्लस माइनस पे हमें क्या चाहिए है, वन माइनस टू चाहिए। तो इस तरह भी आप इसको तो कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में आराम से हो सकता है। ये एक्स का स्क्वायर है, तो अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस टू, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया और प्लस ये आपका बी का, यहाँ पे आपका बी का स्क्वायर भी बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सो ये देखें, ये डायरेक्ट मुझे समझ में आ गया कि ये अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख कर अब इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे। यहाँ से एक्स लिया, वहाँ से वन लिया और साइन हमने इधर से देख कर लिखा, तो ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको ये तरीक़ेकार मुश्किल लग रहा है, तो जिस तरह से हमने इधर किया था कि मल्टीप्लाई पे फोर आए प्लस माइनस पे फाइव आए, तो इस पे भी मल्टीप्लाई पे वन आना चाहिए, प्लस माइनस पे टू आना चाहिए। इस तरह भी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे पेयर रख कर, तो आपके पास यहाँ पर एक्स माइनस वन फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों एक्स माइनस वन आएंगे तो उनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम थी, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो ही आएगा, तो ये जो स्क्वायर है इस रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से जो एक्स की एक और वैल्यू आई है वो है वन। सो दोनों तरह आपका आंसर सेम आने वाला है। तो अगर आपको ये इस तरीके समझ आया तो ये ईजी है, इसमें कम स्टेप्स हैं, उसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये आपके पास इस तरह से तीन एक्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अभी हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 12 करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो 4.2 लिखा हुआ है ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये आपने जहन में रखनी है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 9.2 नहीं है। सो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो वेरिएबल है वो आपका पावर में चला गया है, तो ये अब नई किस्म की इक्वेशन है या नई टाइप की इक्वेशन है, इसको हमने किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ये अभी हम देखते हैं। सो इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक्सपोनेंट रूल का पता होना ज़रूरी है। एक्सपोनेंट रूल की मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 1 जो है, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। सो ये हमने किस ला के तहत ये लिखा है, ये देखें जब मल्टीप्लाई हो रहे हों उनकी बेस जो है, बेस कहते हैं जो नीचे लिखा होता है और एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं जो ऊपर लिखा हो, अगर इन दोनों की बेस सेम हो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनकी जो पावर्स होती हैं, ये पावर्स जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे होया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस रूल को रिवर्स कर दिया, ये प्लस होया हुआ था पावर, तो हमने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया, इस तरह दो अलग अलग से 2 लिखे, एक के ऊपर 2x लिख दिया, एक के ऊपर 1 लिख दिया। सो अब ये काम हमने यहाँ पर करना है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से इनको ब्रेक कर लिया। अब ये देखें 4 और ये 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 4 2 8 हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं ये हमने हमारे जो मेन इक्वेशन है वो इस टाइप की बन चुकी है। अब यहाँ पे हमने बस समकरीब तरीन ही है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के, अगर हम यहाँ पे लेट कर लें y इक्वल टू 2 की पावर x, सो अगर हम 2 की पावर x को y कह लें, देन हमारा जो y स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा,
टू की पावर 2x, क्योंकि जब हम दोनों तरफ इसके स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर जब 2 आएगा तो वो 2x से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 2x बन जाएगा। सो अब देखें, ये दोनों टर्म्स हमारे पास मेन इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, 2 की पावर 2x भी, 2 की पावर x भी। सो जहाँ पे 2 की पावर 2x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, और जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, वहाँ पे हम अपने y को रख देंगे। ठीक है, सो चलें ये काम मैं अभी करता हूँ, और अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। सो ओरिजिनल इक्वेशन हमारी अब बन चुकी है 8 2 की पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x की जगह पे y आ गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये देखेंगे हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने जस्ट इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करते हुए हम क्या देखते हैं कि जो इन दो का प्रोडक्ट होता है 8 1 8, ये मल्टीप्लाई पे आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 8 आए, और प्लस माइनस करें तो -9 आए। सो कौन से ऐसे पेयर्स हैं, वो हैं 8 1 0, यही 8 1 0। अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और अगर इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगाएं तो हमारे पास -9 बन जाता है। अब ये जो पेयर आए हैं इनके साथ हमने, क्योंकि y की टर्म्स में इक्वेशन है तो हम इन दोनों के साथ y लगाकर इसको 9y की जगह पे लिख देंगे, 8y² प्लस 1 जो है इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। सो अब इसके बाद हमने दो दो से कॉमन ले लेना है। सो पहले दो में देखें क्या कॉमन जा रहा है, पहले दो में सिर्फ हमारा y कॉमन जा रहा है, तो ये 8y माइनस y कॉमन चला गया तो 1। दूसरे दो में सिर्फ -1 कॉमन जाएगा, तो अंदर साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रैकेट वाली हैं वो सेम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इनको हमने एक दफ़ा कॉमन ले लेना है अगेन। यहाँ पे हम एक दफ़ा 8y-1 को इक्वल टू 0 कहेंगे, y-1 को एक दफ़ा 0 कहेंगे, और यहाँ से y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा, और 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 है, उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा। सो ये अभी y की वैल्यूज़ आई हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें हमारे क्योंकि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो एक्स की फॉर्म में दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने कहाँ पे एक्स वाली को वाई कहा हुआ है, यहाँ पे कहा हुआ है वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाई की वैल्यूज़ आई हैं इसको अगेन उसी तरह वाई इक्वल टू रखा था हमने 2 की पावर एक्स। सो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी आई है, तो इधर से हमें x मिल सकता है। तो अब आप देखें जो 8 है, 8 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर गालबन 3 होता है। सो 2 4 8, 2 2 2 और 2 1 0, और 2 2 4 होता है, और 2 1 0 2, तो हमारे पास 2 की पावर 3 जो है वो क्या बन रहा है, 8। सो ये 1/2 की पावर 3 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर x है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है यार, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रखना है, और यहाँ पे देखें 1/2 की पावर 3 है, यानी ये 1 दोनों 2 की पावर में है, ठीक है, दोनों वैल्यूज है x भी और 3 भी, लेकिन ये 1/2 है वो 1/2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, और इस सूरत में क्या होगा कि जो हमारी पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखें जब भी पावर में माइनस हो तो फिर जब उसको हम उल्टा देते हैं
जब हम उसको उल्टा देते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। ये एक्सपोनेंट का ला है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जब ऊपर उल्टाएंगे इसको, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में माइनस हो जाएगा। इसको हमने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ है। तो अब देखें इन दोनों की बेस सेम है। ये होती है बेस, नीचे जो होता है ये आपकी क्या होती है बेस, और जो आपका ऊपर होता है ये आपका क्या होता है एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहते हैं। सो अगर दोनों की बेस सेम है, इक्वल है, देखें ये इक्वल है, दोनों की बेस जो है वो इक्वल है, तो इनकी जो पावर्स होंगी वो भी क्या होंगी, ये जो पावर्स हैं ये भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस अजम्पशन को हम इस्तेमाल करते हुए ये कह देंगे, ये जो अजम्पशन मैंने बताई है कि बेस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल होंगी, तो इम्प्लाइज का साइन लगा के हम एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस थ्री के। क्यों? क्योंकि इनकी बेस जो है टू टू सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अगेन यहाँ पे भी हम ये जो वाई की दूसरी वैल्यू है इसको भी हम जो हमने ऊपर लेट किया था उस जगह पे इसको भी लगाएंगे। तो इस वाई की जगह पे हमने इसको लिखा। तो अब रोला ये पड़ी है यहाँ पे कि इधर टू की पावर तो है ही नहीं, सो यहाँ पे ये इशू है कि अब हम बेस सेम वाला रूल कैसे लगाएं, इधर तो टू है ही नहीं, टू की पावर ही नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो पूरा का पूरा वन हो जाता है। ठीक है, चाहे आप 1000 लिखें, चाहे आप 8 लिखें, चाहे आप 2 लिखें, चाहे आप कुछ भी नंबर लिखें कैलकुलेटर में, उसको आप ऊपर ये हैट वाला साइन पावर ऑपरेटर है ये लगाएं और ऊपर ज़ीरो लिखें, तो आपको पता लगेगा किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो रख दें, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, तो वो क्या हो जाता है, वन। तो इस अजम्पशन को यूज़ करते हुए इस वन को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बेस टू चाहिए थी। देखें एक्स जो है वो पावर में है ना, तो हमें यहाँ पे बेस टू चाहिए थी, तो हमने क्या कह दिया, टू की पावर ज़ीरो। तो टू की पावर ज़ीरो भी वन ही होती है, किसी और नंबर को हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो टू है, तो इधर भी बेस टू हमें चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, टू की पावर ज़ीरो का। तो टू की पावर ज़ीरो वन ही होती है, और इधर टू की पावर एक्स है, अगेन बेस दोनों की सेम है तो इनकी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। सेम का मतलब है इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो ये जो पावर्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये आपके पास एक्स की दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है। आई होप मैंने अपने तरफ से पूरा जोर लगाया आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है इन वीडियो से तो आप सिर्फ एक फ्री का होता है ये, आप लाइक कर दें, कमेंट्स में बता दें कि यार हमें अच्छा समझ आया। आप इस आपकी एक फीडबैक हमारे लिए बहुत हमारी रहनुमाई करती है, हमें बहुत मोटिवेट रखती है, और हम इसी तरह आपके लिए और कंटेंट लेकर आएंगे। बिल्कुल फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे चार्ज नहीं होते हैं। आप लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको कंसेप्ट सही समझ आए, तब ऐसे लाइक नहीं करें, ऐसे कोई कमेंट ना करें। अगर आपको नहीं समझ आए तब भी बता दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन फीडबैक ज़रूर दें, आपकी फीडबैक हमें इम्प्रूव करने में मदद देगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 13 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3। सो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सो इसको मैं थोड़ा फास्ट ले कर चलूँगा। अगर आपने वो पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को एक नज़र देख लें, फिर गो थ्रू कर लें। 1.5 पे स्पीड रखें ताकि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आप गो थ्रू भी कर लें। और इसको अब अभी अभी जो ये क्वेश्चन है इस पर मैं इतना डीप लेके जा आपको नहीं जाऊंगा, आपको जस्ट सरी सा ये करवा दूंगा, क्योंकि मेन कंसेप्ट मैंने वहाँ समझा दिए। सो अब देखें ये 3 की पावर 2x प्लस 2 है, अगेन यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट रूल है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। सो बेस सेम हो
तो मल्टीप्लाई हो रहे हों और इनकी पावर फिर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इन्होंने ऐड करके लिखा हुआ था, मैंने इस रूल को रिवर्स कर दिया, रिवर्स भी तो ट्रू होता है ना, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया सिंपली। इधर सेम ये ऐसे ही रहना है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही रहेगा। और माइनस है 3। सो अब यहाँ पे देखें, अगर हम लेट करें, अगर हम लेट वाई इक्वल टू 3 की पावर x कर दें, तो आपका जो वाई स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर लें तो आपको पता लगेगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये 2x बन जाएगा। सो ये अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या हमारी बन जाएगी, ओरिजिनल इक्वेशन बन जाएगी जहाँ पे 3 की पावर 2x है वहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे 3 की पावर x है वहाँ पे वाई आ जाएगा। सो इसको मैं रेड पेन से करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखें, जहाँ पे 3 की पावर 2x था वहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर। और इसके बाद ये 3 की पावर 2 जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, 12 के साथ 3 की पावर x लिखा हुआ है, 3 की पावर x जहाँ पे होगा वहाँ हमने क्या रखना है, y रखना है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y और आगे आएगा -3। तो अब आप देखें ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने जा रहा है, बिल्कुल करीब तरीन पहुँच चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 9y2। सो क्योंकि ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर होती है स्क्वायर के बगैर वाली, और फिर कांस्टेंट। तो इन दो 12y-3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो दोनों के साइन भी चेंज करेंगे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। सो इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने से पहले आप यार यहाँ पे देखें कि ये कुछ कॉमन जा रहा है, वो क्या कॉमन जा रहा है। कॉमन लेने के बाद ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 का टेबल इन तीनों पे जा रहा है। 3 3s are 9 होता है, वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 3 4s are 12 होता है, वाई एज इट इज़ आ गया। 3 1s are 3 होता है। कॉमन लेने से मुराद डिवाइड करना। सो ये जो -3 है ये हमारा उस तरफ जाकर 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। सो अब यहाँ पे देखें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई। आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट आपके बड़े बड़े नंबर आते, आपको पेयर बनाने में बड़ा मसला आना था। तो अब इसके पेयर बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि अब छोटा नंबर है। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई पे, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो इन लास्ट टू वाले जो इनका जो प्रोडक्ट है वो है 3 1s are 3। सो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस पे -4 आए। सो वो 3 1s are 3 ही है, यानी 3 1s are 3 होता है। और इन दोनों के साथ अगर हम माइनस रखते हैं तो आपके पास -4 भी आ जाएगा। तो अब ये जो पेयर आए हैं इनके साथ में ये y वाली इक्वेशन है, तो इधर इन दोनों के साथ y चिपका कर इनको इस 4y की जगह पे रख देना है। 4y हट जाएगा, 4y की जगह पे ये आएंगे, और 3y² और +1 एज इट इज़ नीचे उतार लेने हैं। सो इसके बाद क्या स्टेप होता है, दो दो से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन जा रहा है 3y, अंदर आपका रह जाएगा y -1, 3y बाहर चला गया, -1 लास्ट टू टर्म्स से कॉमन लेंगे तो अंदर साइन हो जाएगा तब्दील। सो अंदर अगर साइन तब्दील करें तो ये आपके पास इस तरह से कुछ बन गया। अब ब्रैकेट वाले एक जैसे हैं, लिहाजा इन जो एक जैसे ब्रैकेट वाले आए हैं इसको हमने एक दफ़ा यूँ इक्वल रख इस तरह से रखना है, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर हैं उसका अलग से यूँ ब्रैकेट में डाल के रख देना है। सो अब ये फैक्टराइज हो चुका है, अब दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कहेंगे। सो यहाँ से आपके पास y क्या आ जाएगा, -1 उस तरफ जाकर +1 हो गया। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, -1 उस तरफ जाकर +1, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये 2y की वैल्यूज आ गई हैं। अगेन ये आपका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें
इक्वेशन जो है वो एक्स की फॉर्म में दी हुई है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना कि वाई की। वाई तो हमने ख़ुद से लेट किया था अपनी आसानी के लिए। सो अगेन जो हमने लेट किया हुआ है वाई, इसकी जगह पे हम वाई की वैल्यूज रख देंगे। सो हमने वाई ऊपर क्या कहा हुआ था, वाई हमने इक्वल कहा हुआ है 3 की पावर x। सो यहाँ पे हमें अगेन वाई की जगह पे वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ से देखें 1 आ गया, तो हमें इधर बेस 3 चाहिए ताकि ये जो पावर, देखें ये वेरिएबल जो है वो पावर में है। जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम बेस को सेम बनाते हैं। सो 1 है, 1 में हम किस कौन सी बेस रखें, बेस के ऊपर क्या रखें कि 1 आए। 3 जो है 3 हमने रखना है यहाँ पे, 3 के ऊपर क्या रखें कि 1 आए, जो पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था। सो 3 के ऊपर किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 होता है। सो हम क्योंकि हमें बेस 3 चाहिए थी, बेस हम कहते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर होती है। सो बेस हमने 3 ही चाहिए थी, तो 3 के ऊपर 0 रख दिया सिंपली। तो 3 के ऊपर 0 रखा तो ये 3 की पावर 0 1 होता है। सो अब ये देखें, अगर ये दोनों बेस इक्वल हैं, इक्वल का साइन है ना, तो बेस दोनों की सेम है, इक्वल हैं, तो इनकी पावर जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी वाई इक्वल टू 3 की पावर x रखेंगे, और जो हमारा वाई की वैल्यू है उसको हम इस वाई की जगह पे लगाएंगे। सो अगेन यहाँ पे देखें 3 1/3 है। सो ये जब इसको उल्टा के ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगेन पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था। और इसके बाद ये क्या होगा, देखें दोनों की बेस अब सेम होगी ना, बेस जब इक्वल है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आपके पास एक्स इक्वल टू -1 आ गया। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट्स भी नहीं करते हैं, और ऐसे ही चले जाते हैं। और अगर आपको वीडियो ये कुछ वैल्यूएबल हैं आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स में बताया करें, फीडबैक ज़रूर दें, चाहे अच्छी या बुरी। आपकी फ़ीडबैक हमें बहुत इम्प्रूव करेगी, आपके ही काम आएगी आपकी फ़ीडबैक। सो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया 2 की पावर x + 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -x - 20 = 0। सो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि ये 2 की पावर -x आ गया, उधर 2 की पावर या किसी भी पावर के साथ 2x होता था। सो थोड़ी सी ये चेंजेस हुई है। अगेन यहाँ पे भी हमने लेट कर लेना है 2 की पावर x को y के इक्वल। सो इसको हमने क्या कह दिया, y। तो जब हम इसको y कह रहे हैं, अब देखें इसका क्या होगा 2 की पावर -x को। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, मैंने आपको जो रूल बताया था, अगर पावर में -1 हो तो हम इसको अगर उल्टा दें तो ये +1 हो जाता है। सो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, इसमें भी हम चाह रहे हैं कि ये जो -1 है इसको हटा दिया जाए, ये जो 2 की पावर -x है इसको +x किया जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये ऊपर है तो इसको 1/2 कर देंगे, यानी नीचे ले जाएंगे। तो क्योंकि ये 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको 64 के नीचे लिख सकते हैं। आप इसे अलग से यहाँ 1/2 भी करके लिख सकते हैं, बीच में डॉट लगा कर, बट मुझे ऐसे ईजी लग रहा है क्योंकि बाद में हमें इसे इसके नीचे ही रखना है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। तो ये आपके पास इस तरह से -20 = 0 आ रहा है। सो अब देखें, जब हम वाई को 2 की पावर x कह रहे हैं, सो इसमें तो फिर वही है, इसमें कोई नई चीज़ और है ही नहीं कि हम उसको स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर x ही है। सो अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस इक्वेशन में डाल देना है। सो जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे y रख देंगे। सो अभी आप ये देख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने सिंपली, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगेन जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन के साथ। ये कंसेप्ट तो बहुत शुरू से चलता आ रहा है, आई होप आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा। तो जब हम y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा।
जब हम इसके साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y y से कैंसिल आउट होकर सिर्फ 64 रह जाएगा, और जब हम 20 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20y आ जाएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। अब ये देखें हमारे पास इस तरह की बन गई है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म के बाद आनी चाहिए सिंपल टर्म वेरिएबल वाली, तो हम 20y को जो है ना इसके साथ में लिख देते हैं और प्लस 64 को इस तरफ कर देते हैं। सो ये जस्ट रीअरेंज किया है, साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू के उसी तरफ है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाए तब साइन चेंज होते हैं, ये हमने जस्ट रीअरेंज किया था। सो अब यहाँ पे सिंपली फैक्टराइज होना है, फैक्टराइज होके आपका आंसर आ जाने हैं। सो अब फैक्टराइज करना है तो वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, वन है, वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका मल्टीप्लाई पे 64 आना चाहिए, प्लस माइनस पे माइनस 20 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं। तो अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 16 से सॉरी, 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आता है, और अगर दोनों के साथ हम माइनस लगा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 20, दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा। तो ये जो हमारे पास पेयर आते हैं इन पेयर्स को हमने क्या करना है, दोनों के साथ वाई लिखना है और इसको 20y की जगह पे लिखना, मीन्स 20y को हटा के इस जगह पे लिख देना है, वाई स्क्वायर 64 इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़ आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दो दो से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू में y कॉमन जा रहा है और लास्ट टू में 16 कॉमन जाएगा। सो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन भी चेंज होगा, तो 64 होता है। और अब ये देखें ब्रैकेट वाले एक जैसे आ गए हैं, इसको जो है हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे और फिर एक और ब्रैकेट में जो बाय रख पड़े हैं इनको अलग से इस ब्रैकेट में डाल देंगे और इक्वल टू ज़ीरो। सो अब एक दफ़ा हमने वाई माइनस 4 को ज़ीरो कहना है और एक दफ़ा वाई माइनस 16 को। सो अब ये देखें हमारे पास y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अगेन ये y की आई हैं, हमें इक्वेशन में जो देखें तो वो x था। सो हमें जो है ये x निकालना है ना कि y। सो x हमने देखें एक ही लेट वाली टर्म है y इक्वल टू 2 की पावर x, इसको फिर यूज़ करेंगे और इसमें से x को निकाल लेंगे। सो हमें y इक्वल टू 2 की पावर x है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है जो हमारी ऊपर आई है 4। तो अब देखें ये बेस 2 की पावर x है, यानी 2 के ऊपर x है, तो इधर भी 2 के ऊपर कुछ बनाना है, मीन्स यहाँ पे बेस हमने 2 बनानी है। सो 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है। सो यहाँ पे हम देखें बेस सेम हो गई है, बेस जब इक्वल है तो इनकी पावर्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये इस अजम्पशन को यूज़ करते हुए हमारे एक्स की एक वैल्यू आ गई है। अगेन यहाँ पे भी हमने वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स कहना है, तो इधर से अगर देखें तो वाई की जगह जब हम 16 रखते हैं ये वाई है, तो जब हम वाई की जगह ये 16 रखेंगे, अगेन यहाँ पे हमने फिर 2 की बेस बनानी है, तो 16 को 2 से आपने सॉल्व करना है इस तरह से, तो देखते हैं क्या आता है। सो आप देखें 2 की पावर 4 आ जाएगी, ये चार दफ़ा दो आते हैं, सो 16 बेस 2 की पावर 4 बनती है 16। तो यहाँ पे अगेन x की क्या आ जाएगी, बेस दोनों की इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये अजम्पशन हमें x की एक और वैल्यू दे देगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट थे। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ इस चैनल को अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपको 10th क्लास मैथ की मुकम्मल वीडियो सीरीज़ ला के देगा। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। अब आपके पास टाइप ऑफ इक्वेशन जो है वो तब्दील हो चुकी है, अब आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होगा, हर टाइप की इक्वेशन में चेंज होता है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ।
सो देखें यहाँ पे हमने ये जो इनके वैल्यूज़ हैं इस तरह से, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, विद साइन, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस मेंशन करना है। इनको हमने देखना है कि किस पेयर को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम हमारे लिए कोई लेट की कंडीशन बन सकती है, लेट वाई इक्वल टू समथिंग। सो उसके लिए हम किस किस पेयर को किस के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमें कैसे पता लगेगा, इन जो कांस्टेंट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया नीचे, उनके थ्रू हम देखेंगे। देखें अभी जो ये पेयर पड़े हैं इनको अगर हम प्लस माइनस करें, ये वाला वन ये वाला थ्री अगर हम प्लस करें, क्या ये इक्वल आ रहा है इस माइनस फाइव और माइनस सेवन के साथ, अगर हम इस तरह रखें इनके कांस्टेंट को, इस तरह से आपने लिख कर चेक करना है। ये देखें ये फोर आ रहा है और ये आपके पास फाइव फाइव टेन और ट्वेल्व आ रहा है, माइनस ट्वेल्व, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो अरेंजमेंट है ये ठीक नहीं है। इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कभी ऐसी टर्म नहीं आएगी जिसको हम लेट वाई कह सकें। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं। जैसे ये पड़े हुए थे ये तरतीब ठीक नहीं है, अब हम एक्स प्लस वन को इसके साथ करते हैं और थ्री को सेवन से। सो लेट सी क्या आता है, वन को हम माइनस फाइव से करना चाह रहे हैं और थ्री को हम करना चाह रहे हैं सेवन के साथ। सो लेट्स सी इनका क्या आता है, वन माइनस फाइव करें तो माइनस फोर आता है और थ्री माइनस सेवन करें तो ये भी माइनस फोर आता है। इसका मतलब है ये अरेंजमेंट जो है, जिस तरह से मैंने ये एरो लगाए हैं, अगर हम एक्स प्लस वन वाले को एक्स माइनस फाइव वाले के साथ मल्टीप्लाई करें और एक्स प्लस थ्री वाले को एक्स माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसको हम लेट वाई कह सकेंगे। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी मैं इसको क्या करूँगा, रीग्रुप करूँगा, रीअरेंज करूँगा। तो जिस तरह से ये एरो लगे हैं मैंने इसको इनके साथ आपस में ऐसे ही लिखना है। तो अब देखें मैंने इनको रीअरेंज करके लिख दिया है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस एक्स को भी मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी, और फिर मैंने इस वन को भी इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस फाइव से भी। इसी तरह से इस एक्स को मैं इस एक्स से भी करूँगा और इस माइनस सेवन से भी। फिर मैं इस थ्री को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस सेवन से भी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। सो माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर आएगा और थ्री और माइनस सेवन माइनस फोर। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स आई हैं हमारी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये दोनों तरफ मौजूद है। सो अब आपको यहाँ पे समझ आया होगा जो ऊपर हमने रीअरेंज किया था वो क्यों किया था, हमने क्यों इस तरह से इनको चेक किया था। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब ये जो एक जैसे आ गए हैं इसको हम लेट वाई कह लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स जो है उसको हमने क्या कह दिया वाई, तो उसके बाद आगे माइनस फाइव है। सो अब आप देख सकते हैं हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो इस तरह से कुछ बन चुकी है। अगेन हमने यहाँ पे क्योंकि अब y की वैल्यूज़ निकालनी है तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस y को भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस फाइव को भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी। तो अब ये y वाली आपस में प्लस होंगी तो दोनों माइनस में होंगे, ऐड साइन माइनस का आएगा और 192 इस तरफ आया के माइनस हो जाएगा 105 से। तो इनको अगर माइनस करें तो 87 आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी मुकम्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें मल्टीप्लाई पे माइनस 87 चाहिए और प्लस माइनस पे 26। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 87 आता है। सो वो है 29
थ्रीज़ आर। 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो -87 आता है, और अगर हम इन दोनों के साथ 29 और 3 के साथ अगर हम 29 के साथ प्लस रखें और 3 के साथ माइनस रखें तो आपके पास जो आएगा, क्योंकि हमें अब -26 चाहिए, माइनस चाहिए, तो फिर हम बड़े के साथ माइनस रखेंगे, छोटे के साथ प्लस, मीन्स -29 + 3, तो तब ये -26 आएगा। अब ये जो पेयर्स आए हैं इनके साथ में वाई रखना है दोनों के साथ, और इसको 26y की जगह पे लिख देना है, ये y² - 87 = 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे दो दो से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टू में से y कॉमन जाएगा, तो y अगर हम कॉमन लें तो ये अंदर -29 ही रह जाएगा और y बाहर चला गया। इधर से -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे ये प्लस था, सॉरी, ये अगर प्लस था, ये देखिए यहाँ प्लस था, सो प्लस था तो हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम +3 रखेंगे, तो इधर आपके पास -29 आ जाएगा। सो ये देखें, अभी ये ब्रैकेट वाले एक जैसे आ चुके हैं, अभी एक दफ़ा इन ब्रैकेट वाले को रखना है और एक दफ़ा जो बाहर रह गए हैं इसको अलग से ब्रैकेट में लिख देना है। जो एक जैसे आते हैं उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, और जो बाहर होते हैं उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। सो ये देखें, ये इस तरह से फैक्टराइज हो चुके हैं। अभी एक दफ़ा इसको ज़ीरो कहना है, एक दफ़ा y + 3 को = 0 कह के y की वैल्यू निकाल लेनी है। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 29, क्योंकि माइनस हो रहा है उस तरफ जाकर +29, और ये +3 उस तरफ जाकर -3 हो गया। सो अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये तो y की हैं, बट हमें क्या चाहिए थी, x की वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है। सो अगेन हमने जो लेट y किया था इसको रखेंगे और इस जगह पर y की वैल्यूज़ को लगाएंगे। सो हमारे पास जो y इक्वल है x² - 4x को हमने बोला था y। सो अब y की जगह पे जब हम वैल्यू लगाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, अगर हम 29 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये साइन माइनस हो जाएगा और = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके चूंकि पैर भी नहीं बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैं इधर से ही आगे लिख लेता हूँ, ये हमारा a क्या आएगा, यहाँ पे जो x² के साथ होता है वो आपका a होता है, जो x के साथ होता है वो आपका b होता है। सो ये -4b आ गया, और c जो होता है वो आपके पास जो भी, सॉरी, ये यहाँ पे c जो होगा वो क्या होगा, -29, जिसके साथ कोई x वगैरह नहीं होता है। सो ये वैल्यूज इस फार्मूले में डालते हैं। सो अब ये देखें, ये माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, और अंदर पावर क्योंकि इवन है 4 के ऊपर, तो 4² = 16 और माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये 4 का माइनस और 29 का माइनस प्लस हो जाएंगे, और 29 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 116 आता है, डिवाइडेड बाय 2, 1 = 2 होता है, और इनको अगर हम प्लस करें तो आपके पास आएगा 132। सो इसको अगर हम आगे देखें तो ये क्या आ सकता है, यहाँ पे क्योंकि ये 132 है, 132 होता है ये आपका, 132 जो आपका होता है ये होता है 4 × 33। सो 4 का रूट अगर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, सो अगर हम इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जो 2 आएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 जो है वो ऊपर कॉमन चला जाएगा, 2 2 = 4 होता है, प्लस माइनस,
और यहाँ पे अंडर रूट 33 रहेगा और डिवाइडेड बाय 2, ये 2s2 से कैंसल आउट हुआ और x की एक वैल्यू आपके पास बन चुकी है। इसी तरह अब ये जो दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास जो y की दूसरी वैल्यू आई थी, इसको भी हमने क्या करना है, उसकी जगह पे रख के सॉल्व कर लेना है। सो मैं यहाँ पे ही करूँगा, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। सो यहाँ पे अगर हम y की जगह पे माइनस 3 रखेंगे तो ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो माइनस 3 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो अब इनको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, बहुत ही आसान है। इसका जो फैक्टर बन रहा है वो 3 1s are 3r है, क्योंकि जो बाहर वाले हैं ये 3 मल्टीप्लाई पे है, प्लस माइनस पे 4, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाता है और इनको मल्टीप्लाई करें प्लस 3 आता है। सो अब दो दो से कॉमन ले लेते हैं। सो अब देखें यहाँ ब्रैकेट वाले जो एक जैसे आ गए उनको हमने एक दफ़ा उसको लिख देना है, और जो बाहर है उसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिख देना है। सो अब एक दफ़ा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आ गई है 3 और एक x की वैल्यू आ गई है 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करने जा रहा हूँ, वो इससे थोड़ा सिंपल है और इससे थोड़ा छोटा भी है। सो आपने उसको खुद से ट्राई करना है और एग्जैक्टली सिमिलर है, उसमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह, क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला लगा ये नहीं लगेगा, वो दोनों फैक्टराइज हो जाएंगे ईजीली और आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मसला आया तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन भी कर दूंगा। सो अब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।